नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये है रियलमी 5 जो क्वाड कैमरा के साथ आता है, मतलब 4 कैमरा बैक में होता है और एक सेल्फी कैमरा, मतलब 5 कैमरे के साथ ये फ़ोन आ जाता है। और इसमें है 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल जो लेंस, और डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का जो है माइक्रोशॉट्स के लिए एक अलग से लेंस दिया गया है। तो 4 डिफरेंट लेंस डिफरेंट काम के लिए दिए गए हैं यहाँ पे। और हम देखेंगे इस फोन में कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स है जो आपको इस फोन में यूज करने चाहिए। हालांकि अगर आप रियलमी फोन पहले से यूज करते होंगे, रियलमी 3 या 2 या जो कोई भी रियलमी ब्रांडेड फोन, आपको पता होना चाहिए कि जो सभी जो टिप्स और ट्रिक्स होंगे वो सेम ही होंगे। अगर आप पहली बार रियलमी फोन का यूज कर रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो हम एक एक करके सारे जो टिप्स है सेटिंग्स में और सारे जो जरूरी चीजें इस फोन के बारे में हम बताएंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप होम स्क्रीन पे आते हो तो आप जैसे यहाँ पे लेफ्ट में स्वाइप करते हो तो आप देख सकते हो ये होता है स्मार्ट असिस्टेंट। यहाँ पे आप अलग अलग शेल्फ भी ऐड कर सकते हो, क्विक फंक्शन, स्टेप ट्रैकर, मैच और सभी सारी, जैसे कि यहाँ पे जो डिफॉल्ट है यहाँ पे आपका एरिया, टेम्परेचर, आपको कैलेंडर दिखाया जाएगा। क्विक फंक्शन, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो, फोटो को ट्रांसलेट करते हो तो कार्ड को स्कैन कर सकते हो। आप स्टेप ट्रैकर भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपने कितनी स्टेप्स चली हुई है दिन में और कितने किलोमीटर चले हैं आप, ये भी यहाँ पे दिखा देता है। मैच जो है आपकी टीम कौन सी है, आप टीम सेलेक्ट करके जो आपके जिस रन है या स्कोर है आपकी टीम के बारे में, वो सारी चीजें आपको स्मार्ट असिस्टेंट में मिल जाती है। तो आप लेफ्ट स्वाइप करके इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, रियलमी के फोन में कलर ओएस का यूआई मिलता है, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जो जब आप पहली बार स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे 8 ये क्विक टॉगल्स मिल जाते हैं। इसको अगर आप नीचे करते हो इस तरीके से तो आपको 16 यहाँ पे टॉगल्स मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जब आप फोन नई बार यूज करोगे पहली बार, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे टॉगल्स होंगे जो आप यूज नहीं करोगे, जो काम के नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको नीचे कुछ वेरिएंट्स, आपको क्विक टॉगल्स के अलग अलग क्विक टॉगल्स दिखाए जाएंगे। तो आपको जो चीजें आप यूज करोगे क्विक टॉगल से आपको उसे यहाँ पे रखना है। मान लो अगर मैं कोई यहाँ से नहीं यूज करता तो सबसे पहले आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे आप सिर्फ 16 क्विक टॉगल्स रख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी जो आप यूज नहीं करते आपको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाल देना है। तो जो भी यहाँ पे आपको फिर यहाँ से आपको उसमें डालना है तो आप यहाँ से उसमें रख सकते हो, या डू नॉट डिस्टर्ब मुझे यहाँ पे रखना है तो आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो काम की चीज़ ना हो आप 16 आइकॉन में से यहाँ से निकाल सकते हो, और जो भी आपको काम की चीज़ें लगती है यहाँ से आप वहाँ पे रख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं, आपको बता दूं कि आप यहाँ से मल्टी स्क्रीन भी कर सकते हो। आप ऑप्शन दे सकते हो यहाँ पे मल्टी स्क्रीन, इसका मतलब है कि आप कास्ट कर सकते हो अपने फोन को अपने टीवी पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको 100 मोड भी मिल जाता है, आप 100 मोड का भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली अपने क्विक सेटिंग टॉगल से। आप वैसे ही यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आप नाइट मोड भी एक्टिव कर सकते हो। तो नाइट मोड, 100 मोड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कास्टिंग आप क्विक सेटिंग से ही कर सकते हो। तो आपको दूसरी सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है अगर आप इन चीजों को पहले से ही आप रखते हो। तो दोस्तों, रियलमी 5 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए दो मेथड है। आप तो पहले पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को साथ में प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट का, तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप 3 स्वाइप भी कर सकते हो, 3 फिंगर स्वाइप, तो इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, जैसे आपका फोन आपके हाथ में आएगा नया, तो आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाई जाएगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो कितनी स्पीड चल रही है नेटवर्क की वो भी नहीं दिखाई जाएगी। तो आपको ये इनेबल करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन है स्टेटस बार में, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है बैटरी परसेंटेज। अगर ये डिसेबल होगा तो इसे इनेबल करना है, और नेटवर्क स्पीड जो है इसको भी इनेबल करना है। तो दो चीज़ें आपको इनेबल करनी है। इसके बाद आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज और उसके साथ साथ आप यहाँ पे नेटवर्क स्पीड भी देख सकते हो। इसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसमें एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको ये ऑप्शन को इनेबल करना है, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती हो तो आपका जो फोन है वो वेकअप हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि कोई मैसेज आ चुका है, तो आपको चेक करना है। तो आप इस टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हो।
दोस्तों फिर जैसे आप यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे जाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लॉक स्क्रीन मैगजीन। तो दोस्तों लॉक स्क्रीन मैगजीन मैगजीन है क्या? जैसे आप फोन अपना लॉक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसा आइकॉन दिखाया जाएगा मैगजीन की तरह। तो आप इसे क्लिक करते ही जो सारी फैक्ट्स है फोटो के साथ, जो भी मैगजीन की तरह आप पढ़ सकते हो फोटो के साथ, ये यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, और आप अगर इसे चाहते हो कि अपडेट होता रहे तो आप अपडेट भी कर सकते हो। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे इसे इनेबल करना है। अगर आप इसे इनेबल नहीं करते हो वाईफाई से अपडेट होगा, अगर इसे इनेबल करते हो तो मोबाइल डेटा से भी अपडेट होगा। तो जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है मैगजीन की, वो अपडेट होती रहेगी। इसके बाद अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट थीम, मतलब आप यहाँ पे अलग अलग थीम भी रख सकते हो। तो आपको डाउनलोड मोर करना है तो यहाँ पे जो भी बहुत सारी जो थीम्स होगी, आप अलग अलग फोन्स, अलग अलग आइकॉन्स, अलग अलग नोटिफिकेशन पैनल्स, यहाँ से मतलब अलग अलग टाइप की थीम डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने ये अलग तरह की जो थीम है डाउनलोड करके रखी है, डीप स्पेस, ये जो डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट इस तरह होती है। तो आप अलग अलग थीम भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप फिर साउंड एंड वाइब्रेशन में जब जाते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नीचे जो होता है रियल साउंड टेक्नोलॉजी। तो जब आप हेडफोन यूज़ करते हो तब आप ये ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर है जो आपको डोल्बी की तरह ही, डिराक साउंड कहते हैं इसे, जो डोल्बी की तरह ही काम करता है। आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा जब आप हेडफोन यूज करते हो। तो आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी आप इनेबल कर सकते हो जब आप हेडफोन यूज करते हो। और ये जो रियल साउंड टेक्नोलॉजी है, आप म्यूजिक ऐप में होते हो तब भी आप इसे इनेबल कर सकते हो। तो आपको जो एक्सपीरियंस है अच्छा मिलेगा साउंड का। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स Realme 5 के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो हमें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे।